तो बनारस में भीड़ का जवाब भीड़ से और 5 तारीख का जवाब 10 तारीख के रोड शो से देने की कोशिश जारी है कांग्रेस की। और इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी नेता अरुण जेटली वहां पर मौजूद हैं। कुछ देर पहले हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा ने उनसे बातचीत की, आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, हमारे साथ है राज्यसभा में नेता विपक्ष अरुण जेटली। अरुण जी, आखिरी दिन राहुल गांधी का रोड शो, क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है? कुछ ज्यादा ही लेट हो गए हैं। यहां मोदी जी नामांकन भरने आए थे तो उनका रोड शो था। इतना बड़ा रोड शो किसी ने आज तक बनारस में देखा नहीं। और जब वो गाड़ी में भी चल के गए जिसमें कोई रोड शो नहीं था, तो एक बहुत बड़ा टर्नआउट लोगों का उभार आया था उनको देखने के लिए। तो स्वाभाविक है, दूसरे दलों को भी लगता है कि हम अपनी प्रेजेंस, मौजूदगी यहां पर सिद्ध करें, और उस रिएक्शन में ये कर रहे हैं। उनको अधिकार है, मुझे कुछ नहीं कहना इस पर। लेकिन जिन इलाकों से जा रहे हैं वहां आप लोगों को रैली करने नहीं दी गई? देखिए, इससे तो साबित हो गया कि बाकी तीनों दल को, दो ने तो रैली की बेनियाबाग में, और तीनों को बेनियाबाग से रोड शो करने की अनुमति दी गई। तो जो सुरक्षा कारण है बेनियाबाग के, वो सिर्फ बीजेपी पे लागू होते हैं और किसी दल पे लागू नहीं होते। तो ये लड़ाई सिल्वर मेडल की है, गोल्ड मेडल की? तो आप लोग अरुण जेटली इतना तो साफ है कि नरेंद्र मोदी है। अब देखिए कौन सी लड़ाई है, लेकिन हम जब तक अंतिम वोट नहीं डरेगा तब तक पूरा प्रयास करते रहेंगे कि बहुत जीत ही नहीं, बहुत बड़ी जीत हो। तो बेसिकली अंतर जीत की मार्जिन का है, मुझे यही लगता है। अरुण जी, प्रचार का आखिरी दिन है, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी अमेठी गए और राहुल गांधी आए, लगता है बदले की भावना से ज्यादा काम हो रहा है इस बार? नहीं नहीं, दोनों को अधिकार है। ये तो मीडिया में आया कि एक दूसरे के क्षेत्र में नहीं जाते, पहले भी लोग जाते रहे हैं। ये कहां लिखा है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां आप लिहाज करोगे और नहीं जाओगे? राजनीतिक दल इस आधार पर थोड़ी ना चलते हैं। व्यक्तिगत हमलों का दौर अरुण जी पूरे प्रचार में रहा है, गलत प्रेसिडेंट सेट नहीं किया नरेंद्र मोदी को? तरह व्यक्तिगत हमले हमेशा होते थे, आजकल 24 घंटे का टीवी है तो लोग उसको रोज देख लेते हैं, पहले सिर्फ अखबार में एक आध खबर छपती थी। अरुण जी, एक और सवाल उठता है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने कल निशाना साधा है, जेल भेजने तक की बात करी है, क्या कहना है आपकी पार्टी को? देखिए, तृणमूल का बहुत बड़ा वोट बीजेपी की तरफ जा रहा है। बीजेपी का अगर वोट बढ़ेगा इस चुनाव में तो उत्तर प्रदेश के अलावा सबसे बड़ा इंक्रीज जो होगा वो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, और वेस्ट बंगाल में तृणमूल के वोट का एक वर्ग हमारी तरफ आ रहा है, और इसलिए उनको स्वाभाविक है कि हमसे एक खतरा लगता है। और दूसरा, तृणमूल की रणनीति रहती है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनका वोट कंसोलिडेट करें, तो वो ग्राउंड कंसोलिडेट करने के लिए बीजेपी और उसके नेताओं को बुरा भला कहना, ये उनकी रणनीति है। अरुण जी, आपने चुनाव आयोग को 3-4 चिट्ठियां लिखी दो दिन, और अंत में ये भी लिख दिया था कि अब इजाजत नहीं जाए। अब चुनाव आयोग को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, वो यही कह रहे हैं कि हमने बड़े नेता की बात थी, हमने समझने में गलती की। आपको लगता है चुनाव आयोग में कुछ अड़मन? चुनाव आयोग की ये जो गलती थी, चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा को बहुत महंगी पड़ी है। ये परंपरा कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को अपने चुनाव क्षेत्र में रैली नहीं करने दी जाएगी, ये बहुत गलत परंपरा डली है, और चुनाव आयोग को इसको सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना चाहिए कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। विपक्ष में बैठ के आपको लगता नहीं चुनाव आयोग में कुछ तनातनी चल रही? अब मैं इस पर क्यों टिप्पणी करूं? पूरे अमृतसर में आपने चुनाव अपना देखा, यहाँ का बनारस लेकर आए, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति देख रहे हैं पार्टी की? आप घर घर मोदी का नारा सफल होता नजर आ रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में हमें 36% वोट मिला 1998 में, जो सबसे अधिक था इतिहास में। इस बार उस रिकॉर्ड को हम तोड़ेंगे। तो सरकार बनाने की जरूरत पड़ेगी लोगों की, या फिर आप लोग अपने दम पे इस बार आ रहे हैं? अपने सहयोग है कि हम 272 क्रॉस करेंगे मौजूदा ढांचा एनडीए का जो है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि चाहे जयललिता हो, चाहे नवीन पटनायक हो, चाहे ममता हो, सब काफी तल्ख हो गए। अब देखिए, चुनाव का परिणाम आने दीजिए। मैं मानता हूं जब परिणाम आएगा, एनडीए के अलावा कोई दूसरा सरकार बनाने की स्थिति में ही नहीं होगा। तो धन्यवाद अरुण जी। कम से कम अरुण जेटली को तो यह उम्मीद है कि बीजेपी अपने दम पर ही सरकार बनाएगी। कैमरामैन शकील के साथ अमिताभ सिन्हा, वाराणसी आज तक।